तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं 9 जनवरी का करंट अफेयर। अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर हाँ, आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास में, विपिन राघवन, ऑप्शन नंबर बी है सौरभ भानु, ऑप्शन नंबर सी है विनय देसाई और ऑप्शन नंबर डी है विकास लखेरा। तो ऑप्शन नंबर डी विकास लखेरा जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये है विकास लखेरा जी। इन्हें हाल ही में 20वें महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। विकास लखेरा असम राइफल के 19वें IG VPS कौशिक की जगह लेंगे। लखेरा जी ने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है और 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भी ये शामिल थे। वर्तमान में अब ये 20वें IG के रूप में काम करेंगे असम राइफल उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन के ऊपर, ये भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर एक है 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 18 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 4 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 4 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 6 जनवरी। तो 6 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई है, सिंपल क्वेश्चन था। और हाल ही में इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 6 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो निर्देशक थे वो थे डॉक्टर लाल सी वर्मन जी और राष्ट्र मानक योजना के द्वारा राष्ट्र मानक योजना भी लॉन्च की है उन्होंने। और भी इसने RDSO को 3 साल की अवधि के लिए मानक विकासशील संगठन के रूप में शामिल करके मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, ये किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर एक है फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर बी है रशिया, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब श्रीलंका। तो ये हैं भानुका राजपक्षे जी। तो श्रीलंका देश के क्रिकेटर हैं भानुका राजपक्षे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। राजपक्षे ने 30 साल की उम्र में ये संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने करियर में 44 एक दिवसीय मतलब कि वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। और अगर हम लोग T20 की बात करें तो 30 T20 मैच इन्होंने खेले हैं। याद रखिएगा नाम भानुका राजपक्षे श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है। तो अभी 2 साल से आप लोग देखेंगे कोविड की वजह से ये अवार्ड नहीं मिल पाया था, लेकिन अब ये अवार्ड को घोषित कर दिया गया है। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास में, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है उसे सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर डी मतलब कि उत्तर प्रदेश को। तो ये है इसका सही जवाब। दूसरे स्थान पर अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। इसमें एक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी और नगद पुरस्कार की राशि भी दी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों के चुनाव खर्च को 70 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया। आप लोगों को पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो आप लोगों को खर्च करने की सीमा होती है, अब उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास में, 90, 99, 95 या फिर 75। तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 95 लाख रुपये। तो चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में अगर चुनाव होते हैं तो इसकी सीमा जो 70 लाख थी उसको बढ़ा के 95 लाख कर दिया, जबकि छोटे राज्यों जैसे कि गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें चुनाव आयोग ने इसकी सीमा को 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया है। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा को 95 लाख कर दिया है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको अभी शेयर करें, लाइक करके मुझे बताएं और कमेंट करके अपने स्कोर भी जरूर मुझसे शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इस प्रकार की वीडियो मैं और बनाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करते चलें, सब्सक्राइब कर लें आपके अपने लोकेशर अकेडमी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।